हेलो एवरीवन एंड वन सेकंड वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। मायसेल्फ सोनू हार्डमैन और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ स्मॉल स्पीचेस के बारे में। इसका मतलब ये कि बोलने वाले छोटे वाक्य, ठीक है। और एक बात मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूँ, ये चीज़ कि इंग्लिश में ऐसा कुछ सेंटेंस है, कुछ क्या बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उस सेंटेंस को छोटे वाक्य में बोल करके भी काम चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये, जैसे आपसे ये पूछा गया कि वेयर डू यू लिव, आप क्या बोलेंगे? अब देखिए, मैं बर्नपुर से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल में, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि आई लिव एट बर्नपुर, और मैं ये भी बोल सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ एट बर्नपुर। तो आप ही बताइए कि इन दोनों में सबसे आसान और सबसे सरल कौन सा है? तो डेफिनेटली सेकेंड वाला ऑप्शन ही सही है कि एट बर्नपुर। कि आपसे पूछा गया कि वेयर डू यू लिव, तो आप बस सिंपल से इतना बोल दिए कि एट बर्नपुर, काम हो गया। हमको कम समय में बहुत अच्छे से समझाना है, इस प्रकार से होता है, किसी को बताना है कि हम कहाँ रहते हैं, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हो। तो ऐसा ही कुछ सेंटेंस हम लेकर के आए हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बात की, वही सभी सेंटेंस है जो हम लोग डेली आजकल यूज कर। तो ये देखिए, हमारा प्रेजेंटेशन चालू हो रहा है, डे 4 है आज का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्या है हमारा, मैंने आपको बताया था कि फॉर्म्स ऑफ स्मॉल स्पीचेस, मतलब हम सभी जो सेंटेंस है वो बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस होता है, तो उसे हम लोग छोटे में भी बोल सकते हैं। वो किस प्रकार से बोल सकते हैं? तो पहला है, मैं अभी आ रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा? इसे अगर हम लोग देखिए ग्रामर से अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि आई एम जस्ट कमिंग, लेकिन इसे आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग मतलब कि मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मतलब क्या हो जाएगा? वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा। देखिए, बहुत तो क्या हो गया, वेरी हो गया, अच्छा के लिए क्या हो गया, वेल हो गया। कितना इम्पॉर्टेंट, ये सभी सेंटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या हमारा, अच्छी बात है, कहते हैं ना अच्छी बात है, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट्स फाइन, क्या हो जाएगा, इट्स फाइन, या फिर बोल सकते हैं कि वेरी गुड, कहते हैं ना वेरी गुड। नेक्स्ट क्या हमारा, जैसी आपकी मर्जी, तो जैसी आपकी मर्जी का क्या हो जाएगा, एज यू विश। अब हम किसी को कुछ बोले करने को, वो इंसान अपना ही मर्जी का बात कह रहा है कि नहीं, आप जो बोल रहे हो मैं नहीं करूँगा, मैं जो चाह रहा हूँ मैं जो है वो करना है, तो हम क्या बोलेंगे फिर, एज यू विश, जैसा आप चाहो, जैसा आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्या है, और कुछ, यानी एनीथिंग एल्स। इसे आप ऐसे समझिए कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है, और आपको किसी चीज़ का ज़रूरत है, तो जो आपको खाना परोस रहा है वो क्या बोलेगा, और कुछ चाहिए क्या, यानी एनीथिंग एल्स। तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे, नो नो नथिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, बस रहने दो, रहने दो मतलब दैट्स इनफ, यानी इतना काफ़ी है। इसका भी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा वही चीज़ खाने को लेकर के, कि आप खाना खा रहे हो, आप इतना ज़्यादा खाना खा रहे हो कि आपका नुकसान होने वाला है, तो आपका जो बगल वाला है वो क्या बोलेगा, बस रहने दो मत खाओ, यानी दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्या हमारा, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, यानी थैंक्स फॉर दिस ऑनर। कोई आपका इतना रिस्पेक्ट किया, इतना सम्मान दिया, तो आपको क्या बोलना चाहिए, उसका धन्यवाद तो करना ही चाहिए, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, अच्छा यानी ओके, कहते हैं ना ओके। नेक्स्ट क्या है फिर, क्यों नहीं, यानी वाई नॉट। फिर क्या आता है, थोड़ा सा भी नहीं, यानी कि नॉट ए बीट। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, कि अच्छा चलें, अच्छा चलेगा क्या हो जाएगा, कि टाटा। जाते समय हम लोग बोलते हैं कि टाटा, बाय बाय करते हैं ना, तो ये हो गया यहाँ पे कि टाटा। फिर नेक्स्ट क्या आता है, कल मिलेंगे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट दिन में ही कि सी यू टुमारो। फिर क्या है, हाँ अवश्य, यानी येस ऑफ कोर्स, जरूर मिलेंगे कल। फिर क्या आता है, बहुत है, बहुत है मतलब दिस इज टू मच, हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत हो गया, यानी दिस इज टू मच। फिर क्या आ रहा, हाँ जनाब, यानी येस सर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा, नहीं कभी नहीं, यानी इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो नॉट एट ऑल। फिर क्या, कोई बात नहीं। क्या होता है कि कभी कभी झगड़ा हो जाता है, तो हम लोग कोई तो सेक्रीफाइस करना चाहता नहीं है, तो हमें क्या बोलना चाहिए, कोई बात नहीं सब ठीक है। तो कोई बात नहीं का क्या हो जाएगा, नेवर माइंड, यानी माइंड मत करना, ठीक है, इट डजेंट मैटर एनीथिंग। नेक्स्ट क्या है, और कुछ नहीं, यानी नथिंग मोर। फिर क्या, कोई खास बात नहीं,
मतलब क्या बात कर रहे हो, और कोई आपसे पूछ रहा कि क्या बात हो रहा था, तो आप क्या बोलेंगे? कोई खास बात नहीं हो रहा था। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? नथिंग स्पेशल। फिर क्या है नेक्स्ट? स्वागत है। स्वागत है यानी यू वेलकम। आप वेलकम भी कह सकते हैं, यू वेलकम भी कह सकते हैं। भरोसा रखें, कहते हैं ना भगवान पर भरोसा रखें, तो उस भरोसा रखे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेस्ट एश्योर्ड। क्या कहेंगे? रेस्ट एश्योर्ड। फिर नेक्स्ट क्या है? अब देखिए, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, हम लोग इतना सारा चीज़ हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ के लिए क्या है, हर एक चीज़ का अपना समय होता है, और हर समय के अनुसार सभी को अलग अलग कहा जा रहा कि सुबह के लिए गुड मॉर्निंग हो गया, दोपहर के लिए गुड आफ्टरनून हो गया, शाम के लिए गुड इवनिंग हो गया, और रात के लिए गुड नाइट। विदाई के समय हम लोग यही कहेंगे गुड नाइट। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है? अच्छा विदा। तो क्या आ जाएगा इसका? गुड बाय। फिर नेक्स्ट क्या आता है? आपको भी विदा, यानी इसका हो जाए क्या? बाय बाय, कहते हैं ना बाय बाय। अब यहाँ पे सेम टू यू मत कहिएगा, कोई आपको बाय कहता है रात में और आप अगर उसको सेम टू यू बोलेंगे तो ये तो खराब बात हुआ ना। अब देखिए क्या, ज़रा सा भी नहीं, यानी नॉट द लिस्ट, मतलब कि कोई, मतलब मान लीजिए कि आप कुछ खा रहे हो और कोई आपसे मांग रहा है और आप उसे नहीं देना चाह रहे, तो आप क्या बोलेंगे उसे? मैं तुम्हें ज़रा सा भी नहीं देना चाहता, यानी आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू नॉट द लिस्ट। ठीक है, यानी कि नॉट द लिस्ट यानी कि ज़रा सा भी नहीं देना चाहता। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ऑर्डर के सेंटेंसेस यानी आज्ञा वाले वाक्य क्या है? रुको, किसी को रोक रहे तो क्या बोलेंगे? रुको, स्टॉप। फिर क्या है? बोलो यानी स्पीक। फिर क्या है? सुनो यानी लिसन। फिर क्या है? यहाँ ठहरो यानी वेट हेयर। फिर क्या है नेक्स्ट? इधर आओ यानी कम हेयर। फिर क्या है? इधर देखो, मतलब क्या हो जाएगा इसका? इधर देखो का लुक हेयर, इधर देखो यानी लुक हेयर। यह लो यानी टेक इट। फिर क्या आता है नेक्स्ट हमारा? पास आओ, कहते हैं ना मेरे पास आओ यानी कि कम नियर। फिर क्या है यहाँ पे? बाहर प्रतीक्षा करो। अब जैसे मान लीजिए कि हम टीचर हैं, हम ट्यूशन पढ़ा दिए हैं, स्टूडेंट लोग का छुट्टी हो गया है, कोई बाहर से आदमी हमको से मिलने के लिए आया, तो क्या बोलेंगे? आप थोड़ा बाहर में प्रतीक्षा कीजिए, तो क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में हम लोग? वेट आउटसाइड। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा? ऊपर जाओ। ऊपर जाओ का क्या हो जाएगा? गो अप। देखिए रहे ना, ऊपर का क्या, जाओ का क्या हो गया? गो हो गया। ऊपर का क्या हो गया? अप हो गया। फिर क्या? नीचे जाओ। तो नीचे जाओ का क्या हो जाएगा? गो डाउन। गो डाउन यानी नीचे जाओ। नेक्स्ट क्या आता है? उतर जाओ। तो उतर जाओ का हमारा क्या हो जाएगा? गेट ऑफ। क्या हो जाएगा? गेट ऑफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आता है? तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ यानी कि गेट रेडी, या फिर बी रेडी कि हमें आज मेला जाना है घूमने के लिए, गेट रेडी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है? चुप रहो। ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर क्या दे रहे हैं? चुप रहो। तो क्या हो जाएगा इसका? कीप क्वाइट। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा? सावधान रहो। सावधान इंडिया आप लोग देखते हैं ना, तो सावधान रहो। तो क्या हो जाएगा इसका? बी वेयर, बी अवेयर या फिर बी केयरफुल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या? धीरे चलो। धीरे चलो का यानी वॉक स्लोली। फिर क्या आता है? तुरंत जाओ। तुरंत जाओ का क्या हो जाएगा कि गो एट वंस। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? यहाँ रुको। यहाँ रुको का क्या हो जाएगा? स्टॉप हेयर। यहाँ, अच्छा सॉरी, वेट करने बोल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? वेट हेयर। फिर क्या? सीधे जाओ। तो सीधे जाओ का क्या हो जाएगा? गो स्ट्रेट, है ना? गो स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधा होता है। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा? चले जाओ, निकल जाओ तुम मेरी नज़रों के सामने से, यानी गेट आउट या फिर गो अवे फ्रॉम हेयर। अच्छी तरह साफ करो यानी क्लीन प्रॉपरली। फिर नेक्स्ट क्या है? मत जाओ। मत जाओ का क्या हो जाएगा कि डोंट गो। किसी को हम रोक रहे हैं तो क्या बोलेंगे? मत जाओ ना, डोंट गो। फिर नेक्स्ट क्या है? मत भूलो यानी डोंट फॉरगेट। मत भूलो कि वो इंसान तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था, यानी डोंट फॉरगेट। फिर क्या है? इसे मत तोड़ो यानी इसे मत तोड़ो का क्या हो जाएगा? डोंट ब्रेक इट यानी इसे मत तोड़ो। फिर क्या है? मुझे मत सताओ। सताओ मतलब कि किसी को कोई परेशान कर रहा तो क्या बोलेगा सर कि मुझे इतना भी मत सताओ, डोंट टीज मी। ठीक है, डोंट टीज मी। फिर क्या? फिर कोशिश करो। तो फिर कोशिश करो मतलब क्या? ट्राई अगेन। आपने देखा ही होगा नेट में कि अगर आपका नेट ऑन नहीं होता है और आप किसी भी चीज़ को डाउनलोड करना चाहते हो तो क्या आता है वहाँ पे? ट्राई अगेन। फिर क्या है? आप शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए मतलब गो अहेड,
मतलब इसको ऐसे समझिए इस प्रकार से आप कि आप अपने पापा के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए। ना ना ऐसे मत समझिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप शुरू कीजिए। तो आप शुरू कीजिए यानी गो अहेड, आप कीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि आप ये काम स्टार्ट कीजिए हमारे पीछे से। तो आप शुरू कीजिए मतलब क्या हो गया, गो अहेड हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, मत हिलो। तो क्या हो जाएगा इसका, डोंट मूव, मतलब कि अगर हम जैसे बोलते किसी को स्टैचू तो उसका हिलना नहीं है, तो वो स्टैचू जैसे बोल दिए तो वही हो गया इसका मतलब, डोंट मूव, यानी उसे हिंदी में क्या कहते हैं, मत हिलो, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता चले, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय।